नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के पन्ना के सुनहरा ग्राम पंचायत की नवनिर्वाचित सरपंच आशा राम गौड़ा को हमारी टीम के द्वारा जीत की बधाई प्रशस्ति पत्र दिया, जिसमें गांव के विकास व गरीबों के उत्थान हेतु खास बातचीत हुई। उन्होंने सभी गाँव वासियों का आभार जताया, भ्रष्टाचार मुक्त कार्य कराने पर जोर दिया। संवाददाता हीरमन यादव की रिपोर्ट। कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत। यहाँ के सरपंच कौन हुए हैं? आसाराम आदिवासी। अच्छा, तो ये बताइए सर कि आप लोग किस मुद्दे को लेके गए गांव के जनता के बीच? और स्वच्छता, सफाई और स्वास्थ्य के बारे में, और जो बच्चों को, निराक्षर बच्चे हैं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो आदिवासियों को, बच्चों को, उनको पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, उसके लिए हम लोगों ने कहा कि ये सारी व्यवस्थाएँ, प्रयास हम लोग करेंगे। विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हाँ, जो वृद्धा पेंशन जिनकी नहीं लगी है, उन लोगों को भी वृद्धा पेंशन लगवाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, और जिनको मिल रही है उनके लिए भी, जिनका जो जीवित है और उनको मृत लग दिया गया है ऐसा बताया लोगों ने, कोई पुख्ता जानकारी इसकी नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जिनको नहीं लगी उनकी भी लगे। आपके यहाँ गौशाला है? नहीं, गौशाला हमारे यहाँ नहीं। उसके लिए क्या करेंगे? सरकार से मांग करेंगे, गौशाला के लिए शासन से मांग करेंगे कि हमारे यहाँ गौशाला बनवा दिया। जनता ने आपको जीत का सेहरा बांधा है, जिस विश्वास से, तो आप कितना खरा उतरेंगे और कितना गांव से भ्रष्टाचार कम करेंगे? हमारी कोशिश यही है, मैंने शुरू में कह दिया है, जो भी यहाँ पे सचिव है, उप सचिव है, कि देखो भैया, अगर किसी को पैसे का मोह है तो अपना यहाँ से आप ट्रांसफर करा लीजिए। यहाँ स्वच्छता से और निष्पक्षता से और बिना लेन देन के ही कार्य किए जाए। जनता को क्या संदेश बधाई देंगे आपको? जनता को ये, हम यही संदेश देंगे सर कि जनता का हम सहयोग करें और जनता हमारे साथ सहयोग करें। चलिए, बहुत बहुत